दोस्तों, ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो, इस बिल्डिंग में रहते हैं सलमान खान सर के पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा। जी हाँ दोस्तों, जिनका रियल नाम है गुरमीत सिंह जोली। दोस्तों, आज की वीडियो में उनका घर, उनकी बायोग्राफी, कार कलेक्शन सब कुछ बताने वाला हूँ, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देख। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शमीम व्लॉग वीडियोस में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सलमान खान सर के बॉडीगार्ड शेरा का घर। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, उनका नाम जो रियल नाम है वो शेरा नहीं है। शेरा उनके नाम, उनको बचपन से उनके पापा कहा करते थे, इसलिए उनको शेरा के नाम से जानते हैं, लेकिन उनका जो रियल नाम है वो है गुरमीत सिंह जोली। जी हाँ दोस्तों, जो कि सलमान खान सर के बॉडीगार्ड है, तो उनका घर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि उनका घर कहाँ पर है, उनके घर का नाम, उनकी बायोग्राफी, कार कलेक्शन आज की वीडियो में सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूँ, जब सलमान खान सर की सन 2011 में एक मूवी आई थी बॉडीगार्ड, तो उस बॉडीगार्ड मूवी में जो सलमान खान सर ने अपने ड्रेस पे सिक्योरिटी का लोबो दिया है ना, तो उस लोबो के लिए काफ़ी सारी सिक्योरिटी एजेंसी ने सलमान खान सर से कॉन्टेक्ट किया था कि आप उस ड्रेस पे हमारी कंपनी का लोबो दे दीजिए। उसके लिए एक लोबो देने के लिए सलमान खान सर को काफ़ी सारी कंपनी अच्छा खासा पेमेंट देने के लिए भी तैयार थी, लेकिन सलमान खान सर ने सबको मना कर दिया और उस कंपनी का लोबो लगाया, तो उस कंपनी का जो नाम है वो है टाइगर सिक्योरिटी, जो कि सलमान खान सर के बॉडीगार्ड जो है ना शेरा, उनकी खुद की एक एजेंसी है टाइगर सिक्योरिटी के नाम से, जिससे वो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ को सिक्योरिटी देते हैं। तो दोस्तों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो सलमान खान सर ने अपने ही बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड शेरा की कंपनी का लोबो लगाया और फ्री में, कोई पैसा चार्ज नहीं किया। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो सलमान खान सर अपने बॉडीगार्ड से कितना लगाव और कितनी मोहब्बत रखते हैं। दोस्तों, ऐसा इंटरव्यू में शेरा ने भी एक बार ऐसा कहा था कि जब तक जिंदा हूँ, जब तक भाईजान के साथ रहूँगा, और भाईजान मेरे लिए बहुत ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने तारीफ़ की थी, तो वो एक फैमिली की तरह, शेरा को भली बॉडीगार्ड है लेकिन एक फैमिली की तरह उनको रखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप ये जो मेरे बैकग्राउंड में ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना व्हाइट कलर की, ये 42 माला की बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो। और इसी बिल्डिंग में रहते हैं बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान सर के बॉडीगार्ड शेरा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक बात और मैं बता देता हूँ, ये जो आप लोकेशन देख रहे हो ना जहाँ पर मैं इस टाइम खड़ा हूँ, ये मैं खड़ा हूँ गोरेगांव ओशीवरा इलाके में। इस टाइम मैं गार्डन में खड़ा हूँ, इस गार्डन का नाम है वाला वलकर गार्डन। जी हाँ दोस्तों, जो कि गोरेगांव मेट्रो स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर आपको ये गार्डन देखने के लिए मिल जाएगा, और इसी गार्डन के अंदर अगर आप आते हो तो आपको यहाँ से भी ये बिल्डिंग देखने के लिए मिल जाएगी, और इसके बाहर से आप उसका घर के बाहर का पूरा व्यू, मेन एंट्री गेट सब कुछ देख सकते हो। तो वही आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, तो चलो चलते हैं, इनके घर के बाहर का पूरा व्यू और बायोग्राफी, कार कलेक्शन सब कुछ बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, फाइनली हम पहुँच चुके हैं बॉडीगार्ड शेरा के घर के पास। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप सामने व्यू देख रहे हो, ये है बॉडीगार्ड शेरा की बिल्डिंग। जी हाँ दोस्तों, इस बिल्डिंग का नाम आप देख सकते हो, द पार्क इस बिल्डिंग का नाम है, और इस बिल्डिंग के नीचे काफ़ी सारी सिक्योरिटी है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो। अभी आगे जाकर थोड़ा सा अच्छे से व्यू दिखा देता हूँ मैं। और इनकी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर काफ़ी सारी शॉप वगैरह है, और ये देखिए गुड फिलिपिन बर्गर्स, बर्गर्स की शॉप है, और भी काफ़ी सारे शॉप हैं यहाँ पे, डिज़ाइनिंग शॉप, बॉम्बे शर्ट कंपनी की शॉप है। और इसी बिल्डिंग में रहते हैं बॉलीवुड के सलमान खान सर के बॉडीगार्ड शेरा। जी हाँ दोस्तों, अभी आज आपको इसकी बिल्डिंग का ऊपर का व्यू मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ऐसी दिखती है ये बिल्डिंग, जैसे आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है। तो दोस्तों, इस रोड से मैं आया हूँ, और ये जो आप देख रहे हो ये जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में रहते हैं बॉलीवुड सलमान खान सर एक्टर जो है, उनके बॉडीगार्ड। और ये रोड आप आसपास का व्यू मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, कभी आप भी आना चाहो तो आप आगे देख सकते हो। दोस्तों, ये जो आप व्यू देख रहे हो, ये इस टाइम मैं गार्डन के अंदर से वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, गार्डन के अंदर से भी काफ़ी अच्छा व्यू इस वीडियो का आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कितनी प्यारी ये बिल्डिंग है, और बिल्डिंग का जो बाहर को डिज़ाइन निकाला गया है उसको भी एक अच्छे से डिज़ाइन किया गया है दोस्तों, आप देख सकते हो। और ये आप देख सकते हो पार्क के अंदर का भी, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों के लिए एक्टिविटी लगाई गई है, काफ़ी सारे झूले यहाँ पर है और बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और इस बिल्डिंग का जो नाम है ना दोस्तों, वो मैं आपको पास से जाकर अच्छे से दिखा चुका हूँ,
लेकिन आप फिर भी एक बार देख सकते हो, पार्क के अंदर से भी यहाँ पर लिखा हुआ है द पार्क। दोस्तों शेरा का रियल नाम गुरमीत सिंह जोली है और निकनेम शेरा और शेर सिंह है। जैसा कि आपको तो पता ही है, ये प्रोफेशन से एक बॉडीगार्ड है। इनका जन्म 19 मई 1969 अंधेरी मुंबई में हुआ। शेरा की स्कूल की पढ़ाई दामोदर दास बर्फीवाला हाई स्कूल अंधेरी मुंबई से हुई और स्कूल करने के बाद पढ़ाई छोड़ ये बॉडीगार्ड की नौकरी करने लगे। इनके पापा का नाम नंजीत सिंह है और मम्मी का नाम प्रीतम कौर जोली है। शुरू से ये मॉडल बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की प्रॉब्लम की वजह से इनको अपना सपना छोड़ना पड़ा और ऑटोमोबाइल्स में काम करने लगे, जिसमें इन्होंने अपने पापा का हाथ बटाने का काम किया। फिर इनका इंटरेस्ट बढ़ा बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डिंग करने का सोचा और इसके लिए अपनी बॉडी बनाने में लग गए और अपनी बॉडी फुल बॉडीगार्ड की तरह बना ली। और सन 1987 में मिस्टर मुंबई और मिस्टर महाराष्ट्र बॉडी बिल्डिंग का खिताब जीत लिया। और उसके बाद 1990 में इन्हें बॉलीवुड से काफ़ी सारे ऑफर्स आए बॉडीगार्ड के लिए। उसके बाद 1993 में शेरा ने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी खोली, जिसका नाम रखा टाइगर सिक्योरिटी। और ये एजेंसी बॉलीवुड और हॉलीवुड को बॉडीगार्ड प्रोवाइड कराती है। फिर एक बार बॉलीवुड की पार्टी में इनकी मुलाकात सलमान खान से हुई और तब से ही ये सलमान खान के बॉडीगार्ड है और ये लगभग 25 साल से सलमान खान के साथ है। और अपने एक इंटरव्यू में इन्होंने ये भी कहा था कि मैं सलमान खान का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और अपनी पूरी लाइफ सलमान भाई के लिए कुर्बान कर दूंगा। सन 2011 में जो बॉडीगार्ड फिल्म आई थी उसमें शेरा नजर आए थे और इस फिल्म में सलमान खान ने जो अपने बॉडीगार्ड की ड्रेस पर बॉडीगार्ड का लोगो लगाया है वो शेरा बॉडीगार्ड की एजेंसी का ही लोगो है और टाइगर सिक्योरिटी एजेंसी को प्रमोट किया था, वो भी विदाउट पैसों के, यानी कि फ्री। और सन 2014 में धर्मेंद्र की बेटी आहाना देओल की शादी में अमिताभ बच्चन को स्पेशल सिक्योरिटी अपने एजेंसी से ही प्रोवाइड कराई थी। और साल सन 2017 में जब जस्टिन बीबर का कंसर्ट हुआ था तो शेरा ने उन्हें पर्सनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई थी अपनी ही खुद की एजेंसी से। और शेरा को बेस्ट सिक्योरिटी अवार्ड भी दिया गया है। और सन 2019 में शेरा ने पॉलिटिकल पार्टी शिवसेना ज्वाइन कर ली थी। और खबरों का तो ये भी कहना है कि सलमान खान शेरा के बेटे को भी बॉलीवुड में लॉन्च करने वाले हैं और इनके बेटे का नाम है अबीर सिंह। सन 2018 में आरोग्य रत्ना अवार्ड भी इनको मिला है। अगर हम बात करें इनकी कार कलेक्शन की तो इनके पास काफ़ी सारी लग्जरी कार है, जैसे कि महिंद्रा थार जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है और एक BMW कार और एक BMW बाइक भी है जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है। दोस्तों हर साल सिक्योरिटी देने के सलमान खान इन्हें 2 करोड़ रुपए देते हैं और इनका नेटवर्थ है 12 करोड़ रुपए और अपनी खुद की सिक्योरिटी एजेंसी से ये अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। दोस्तों इसी बिल्डिंग में बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सलमान खान सर के बॉडीगार्ड शेरा यहीं पर अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, मम्मी पापा और अपने बीवी बच्चों के साथ। ये बिल्डिंग कहाँ पर है, आपको कैसे आना होगा, उसका प्रॉपर एड्रेस मैं आपको बताता हूँ ताकि आप भी यहाँ पर कभी आओ तो बहुत ही आसानी से आ सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है सलमान खान सर के बॉडीगार्ड शेरा का घर। जी हाँ दोस्तों, और जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख ही रहे हो ये बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग को मैंने आज आपको अच्छे से एक्सप्लोर करके दिखाया है। उनका घर का नाम क्या है, बायोग्राफी, कार कलेक्शन सब कुछ बता दिया हूँ। तो दोस्तों इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस में बनाता रहता हूँ, कोई भी सिंगर हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो,
और अच्छे एक्टर एक्ट्रेस काफ़ी और जी शूटिंग लोकेशन घूमने की अच्छी अच्छी जगहों को एक्सप्लोर करता हूँ, इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस बनाता हूँ। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो नई लोकेशन के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके टाटा बाय बाय।